तो क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में? फॉरगेट पासवर्ड हो गया था ना कि नहीं? हो गया था। और उसके बाद कुछ बताए थे कि यूजर अपडेट, यूजर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नहीं ना बताए हैं? आइए आज हम लोग देखते हैं यूजर प्रोफाइल चेंज करने का, कैसे हम लोग यूजर प्रोफाइल चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल न्यू सेव कर लिया जाए, कंट्रोल एस। सी ड्राइव जैम एसटी डॉक्स जैम नहीं, एसटी डॉक्स के अंदर हम लोग का डैशबोर्ड और वेब नाम का फोल्डर बना हुआ है। मैंने यहां नाम दे दिया यूजर प्रोफाइल या चेंज यूजर प्रोफाइल, चेंज अंडरस्कोर यूजर प्रोफाइल। अपडेट यूजर प्रोफाइल में हम यहाँ पे आपका जो पेज है उसको हम साइन अप पेज को कॉपी कर रहे हैं। कुछ इंटरफेस ओपन फाइल और इसमें है आपका साइन अप। ओके, साइन अप में हम यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने यहां पे सेंटर यूज कर दिए और यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दिया गया। ओके, और फॉर्म नेम को हटा दिया जाए। टीयर, इस टीयर को मैंने हटा दिया। पोस्ट यूजर नेम पासवर्ड टीयर, और एक यहाँ पे हम लोग टी टी
input type equal to submit, name equal to, ठीक है, सर्च वैल्यू इक्वल टू सर्च ओके टेबल को क्लोज कर दिया है, चेक किया टेबल हमारा क्लोज कर चुका ओके सेंटेंस लोकल होस्ट क्लास में उसमें आ जाना बदल वाले देखिए मुझे आज के क्लास में यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं यूजर अपडेट। जैसे ही हम लोग यूजर नेम इंटर करेंगे और पासवर्ड इंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाना चाहिए नीचे में। आ रही बात समझ में? यूजर प्रोफाइल जब अपडेट करना होगा तो यूजर नेम आप इंटर कीजिएगा, पासवर्ड आप इंटर कीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे अगर यूजर नेम पासवर्ड आपका सही रहा तो सारा सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपका है, आंसर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, वो सारा यहीं पे फिजिबल हो जाएगा। साइन अप करते समय जो कंट्रोल आपने यूज किया है, कंट्रोल करने का मतलब अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आपने क्या सिलेक्ट किया था, क्या यूज किया था, कॉम्बो बॉक्स, वही कॉम्बो बॉक्स ना आ जाना चाहिए और आंसर, ठीक है। यानी डेटाबेस से, डेटाबेस में जो भी उस यूजर का सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा वो ऑटोमेटिकली कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। आंसर आ जाना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स में, फिर और जो डिटेल्स है वो सारा आ जाना चाहिए और नीचे में एक अपडेट बटन रहेगा। अब जो रिकॉर्ड शो कर दिया है, अब आपको लगता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन मैच करा चेंज करना है तो आप चेंज कर लो, आंसर चेंज कर लो, ईमेल चेंज कर लो और जो डिटेल्स है वो चेंज कर लो। और जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे वहां पे पूछेगा डू यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। अगर यूजर यस बटन पे क्लिक करेगा
तो रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है। तो चलिए सबसे पहले तो डेटा विजिबल आप कर लीजिए। डेटा विजिबल करने के बाद ही कुछ आप सोच सकते हैं, ठीक है। ये सर्च बटन पे हम क्लिक करेंगे, सारा डिटेल्स यहाँ पे आना चाहिए। अब कैसे आएगा वो चीज देखिए आप। तो हम लोग चलते हैं सोर्स कोड में, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कोडिंग में लिखना होगा, ठीक है। पीएचपी के कोडिंग में अब आ जाते हैं। पीएचपी के कोडिंग में हम लोग को सबसे पहले हम यहाँ पे डेलिमीटर यूज कर लेते हैं, डॉलर if is set, if is set, और यहां पे दे दीजिए डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहां पर क्या दे दिया, ठीक है। नाम है यहां पर सर्च, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं डेटाबेस को, इंक्लूड डेटाबेस डॉट पीएचपी। ओके, अब यहाँ पे ये चीज मैंने यूज कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले SQL कमांड लिखेंगे, डॉलर SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था आपका टेबल का नाम, यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल, ठीक है। वेयर यूजर आईडी है कि यूजर नेम, वहां कॉलम नेम यूजर आईडी इक्वल टू, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को सबसे पहले हम रिट्रीव कर लेते हैं, डॉलर यूएनएम इक्वल टू डॉलर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा है इवन नेम, ओके। उसी तरह से हम पासवर्ड भी रिट्रीव कर लिए, कंट्रोल सी, पी नेम, ओके। यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे डॉलर यूएनएम, यूएनएम, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। डॉलर आर एस इक्वल टू माई एस क्यू एल आई क्यूरी, और यहाँ पे दो पैरामीटर पास करते हैं, डॉलर कॉन कॉमा डॉलर एसक्यूएल, ओके। इफ डॉलर आर एस, अगर ये सही हुआ तो पासवर्ड भी हम लोग यहाँ पर वैलिडेट करेंगे, इफ इफ
डॉलर पीएनएम, पीएनएम इक्वल्स टू डॉलर रो पासवर्ड के लिए, वहां पे पासवर्ड ही होगा पासवर्ड। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो सारा डिटेल्स यहाँ हमारा फॉर्म एलिमेंट में शो करना चाहिए, और अगर पासवर्ड गलत है तो बता देना चाहिए एल्स पार्ट इको अलर्ट इनवैलिड पासवर्ड। ओके, और स्क्रिप्ट टैग को हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, क्लोज कर दिया जाए। स्क्रिप्ट चलिए अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसका भी एल्स में हम लोग दे देते हैं एल्स कंट्रोल भी इनवैलिड यूजर आईडी। अब प्रश्न ये उठता है कि सारा डिटेल्स अगर सही हो तो यहाँ पे हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इस फॉर्म को हम क्यों ना एक ही फॉर्म को रखें, दूसरा फॉर्म हम नहीं बनाना चाहते हैं। चाहते हैं इसको यहां से कट कर दे, यहां से कट कर दे, कंट्रोल एक्स कर दे, और लास्ट में यहां पे कंट्रोल भी रखे। ओके, अब हम लोग फिर एक दूसरा टेबल टैग यूज कर रहे हैं इफ के अंदर। अगर पासवर्ड सही है तो टेबल टैग मैंने इको के साथ यूज कर लिया, या फिर ये भी तरीका होता है, दो तरीका मैंने बताया था इको के साथ भी यूज करने के लिए। याद है ना आप लोगों को, जहां पे पीएचपी का कोडिंग समाप्त करना है वहां पे डेलिमीटर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एचटीएमएल का कोडिंग अब यूज करना है, या इको के साथ यूज करेंगे या डेलिमीटर को हम क्लोज कर देंगे। मैंने डेलिमीटर को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और जहां से फिर पीएचपी का कोडिंग करना है वहां से फिर हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट। तो क्यों ना हम यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख दे टेबल टैग, टेबल दे दिया, उसके बाद टीआर दे दिया, ओके टीडी दे दिया, पहले उसका नेम रिट्रीव करते हैं, उस यूजर का नेम दे दिया, फिर मैंने यहाँ पे टीडी दे दिया, और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम मैंने दे दी। हाँ बोलो सर, ये रो पासवर्ड जो लिखे हैं इसको पहले करना पड़ेगा ना सर, एक एरे में बनाकर ऊपर पीएनएम इज इक्वल टू रो पासवर्ड लिखे ना सर, तो उसको पहले अच्छा, करना पड़ेगा। छूटा हुआ है, हाँ थ्योरी एग्जीक्यूट कराए, और यहाँ पे रो इक्वल टू माई एसक्यूएल आई एच एरे, और इसमें क्या डाल देंगे, डॉलर आर एस ना, डॉलर आर एस। चलो ये चीज हो गया नेम। अब ध्यान दो, आपको याद होगा कि टेक्स्ट बॉक्स में, अब जो टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा नीचे सर्च बटन पे, यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, अगर यूजर आईडी पासवर्ड सही है तो उस यूजर का सारा डिटेल्स कंट्रोल में शो करना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में शो करना चाहिए।
तो उसके लिए तो एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू ही ना टेक्स्ट बॉक्स में शो कराने के लिए। तो वैल्यू इक्वल टू, अब वैल्यू यहाँ कहाँ से आना चाहिए, डेटाबेस से आना चाहिए, ठीक है। और उस यूजर का डिटेल्स तो ऑलरेडी ड्रो में है ही, तो अब वैल्यू में यहाँ आना चाहिए। तो हम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, अब पीएचपी का कोडिंग यहाँ स्टार्ट करना है तो डेलिमीटर स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, वैल्यू में स्टार्ट करते हैं, पीएचपी दे दिया, ओके, यहीं पे मैंने दे दिया इको, और इको में मैंने यहाँ पर दे दिया वेरिएबल का नाम है डॉलर रो, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दे दिया क्या नाम था वहां पर, नेम के लिए, नेम ही, यूजर नेम ही ना, जो भी होगा नेम दे देंगे, ओके, सेमी कॉलन दे दिया, और डेलिमीटर को अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, डेलिमीटर हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस फिर कट कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल और टीआर टेबल को भी क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले इसको चेक करने दीजिए कि आ रहा है कि नहीं, टेबल कंट्रोल एस, ओके। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया और डेटाबेस भी एक बार हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, ये तो ओपन है, तो यहाँ से हम लोग लोकल होस्ट, ओके, पीएचपी माई एडमिन, तो आपका है यहाँ पे BCA, ठीक है, BCA PPU ये वाला है ना 2023, यूजर प्रोफाइल, तो इसमें एक डिटेल्स है यहाँ पे अमित 123 है यूजर आईडी, नेम है यहाँ पे अमित कुमार, तो अमित कुमार आना चाहिए, हम यूजर आईडी इंटर कर रहे हैं अमित 123, पासवर्ड PPU, तो अमित 123 और पासवर्ड PPU, ओके, वहां पर लिख दीजिएगा इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, सर्च आ गया नेम अमित कुमार, ठीक है। अब यूजर एडिट, मान लो कि कुमार का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा तो अब यहाँ से चेंज कर सकता है ना, चलिए हाँ, तो उसी तरह से सारा वैल्यू मुझे डेटाबेस का यहीं पे फॉर्म एलिमेंट में रिट्रीव होना चाहिए, क्या चीज, हाँ टेक्स्ट बॉक्स है तो एडिटेबल है ना, चेंज कर सकते हैं, अमित कुमार के जगह मान लो कि अमित कुमार और कुछ चेंज करना है, ठीक है, कुमार हटा देना है, केवल हम अमित ही लिखते हैं तो केवल अमित लिखेंगे, और उसी तरह से और डिटेल्स होगा, और जो जो चेंज करना है तुम चेंज कर लो, और जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो आइए, तो हम लोग यहाँ पे अब इसी को और जो जो चीज है मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, टेक्स्ट बॉक्स वाला जो कुछ है वो पहले लिख देते हैं, कंट्रोल भी क्या क्या डिटेल्स था,
हेलो, हाँ मैम, नहीं मैम, तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सर्च, हाँ कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे नेम, नेम के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो तो कॉम्बो बॉक्स में था ना, तो तब तक हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या था, ईमेल आईडी ना, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद क्या है, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल के बाद क्या है, पैन नंबर, पैन नंबर, ओके। और यहाँ पे आप डेटाबेस से रिलेटेड नाम चेंज कर दीजिए, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, नेम है, यस क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी, मोबाइल है, पैन है, ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कोडिंग पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आंसर, ओके। ईमेल आईडी के लिए यहाँ पर लिखते हैं ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद पैन नंबर, वहां पैन ही था ना केवल, ओके, पैन दे दिया। और एक हम लोग अपडेट बटन बना लेते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और नेम में मैंने अपडेट दे दिया, वैल्यू दे दिया अपडेट, ठीक है, ओके। तो अब इतना रिकॉर्ड तो कम से कम आ जाएगा ही, आ गया अमित कुमार, आ गया आंसर, मैजेंटा आ गया, ईमेल आईडी amit@gmail.com आ गया, मोबाइल आ गया, पैन नंबर नल था ना, पैन नंबर नल था,
इसलिए नहीं आएगा। और अब लगता है कि पैन नंबर उसका आ गया है, तो यहाँ पे पैन नंबर इंटर करेंगे और अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा ना। ओके अब प्रश्न ये दिमाग ये लगाना है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन कैसे आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चंस कैसे आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो उसका जैसे मैजेंटा है तो क्लियर है कि उसका योर फेवरेट कलर होगा, तो कॉम्बो बॉक्स जो वहां ड्रॉप डाउन बनेगा उसमें क्या सिलेक्टेड रहना चाहिए, योर फेवरेट कलर ना। ठीक है, अगर जिसका फेवरेट बुक है तो क्या आना चाहिए, योर फेवरेट बुक सिलेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज करना है। तो आइए तो हम लोग यहाँ पे एक साइन अप वाला सबसे पहले तो हम कॉपी करेंगे ये सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लिया। ध्यान दीजिए कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन जहाँ पे वहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे तो सर लेगा वो, क्या हुआ बोल रहे सर जहाँ पे ऊपर वाला सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन है ना वहाँ अगर वेरिएबल अगर पास करे तो वो एक्सेप्ट करेगा। नहीं समझे, कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए तुम कौन सा वेरिएबल सर डेटाबेस से सिक्योरिटी क्वेश्चन लेंगे सर फेच करेंगे वहां से तो यहां जहां सिक्योरिटी क्वेश्चन है सर वहां पे अगर उस वेरिएबल को डालेंगे तो सिलेक्ट ऑटोमेटिक तो वो ले लेगा ना। देखो ना वही तो दिमाग लगाया जा रहा है, सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन तुम जानते हो ना, एक चीज तो आप जानते हैं कि हम जिस फॉर्म एलिमेंट ये ड्रॉप डाउन से जिस एलिमेंट को सिलेक्टेड करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट उसमें क्या लगा देते हैं सिलेक्टेड होता है ना। अगर हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारा योर फेवरेट कलर सिलेक्टेड हो तो ऑप्शन में क्या लिख देंगे, सिलेक्टेड लिख देंगे, लगा देंगे, तो ये होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन अब सिलेक्टेड कैसे लगाएंगे, कंडीशन बेस्ड होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, एक तरीका इस तरह से तो कोडिंग हमारा लंबा हो जाएगा सर। एक सर प्रिंट कराने के लिए सर एक और ऑप्शन है ना सर, कौन सा कि सर वहाँ पे बॉक्स कॉम्बो बॉक्स ये बॉक्स तो ऑप्शन वाला नहीं बनाया, सिर्फ वहाँ जो क्वेश्चन अपलोडेड है उसको सिर्फ प्रिंट करा दो, मतलब वो केवल शो कर देगा योर फेवरेट प्लेयर या योर फेवरेट बुक, और पीछे के आंसर में भी आंसर को शो करा देंगे अगर चेंज करना है टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही। यस सर, लेकिन वो तो करा दोगे ठीक है, लेकिन फिर तो यूजर अपने अनुसार ना फिर टेक्स्ट बॉक्स में योर सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेगा, वो तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपको एडमिन दिया है सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए उसी के अंदर से सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स की तरह कर रहे हैं वो तो सिंपल है कि मोबाइल नंबर आंसर की तरह हम वहां पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करा दें। लेकिन अब अगर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करना चाहते हो तो खुद से ना डिसाइड करोगे। आ रही बात समझ में? हम चाहते हैं कि जो साइन अप पे था साइन अप करते समय ठीक है वही सिक्योरिटी क्वेश्चन उसमें से कोई हो तो कॉम्बो बॉक्स यूज करना ही होगा।
तो आइए हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं, देखो ना हो जाएगा सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर तो है ही, और यहाँ पे जानते हो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ कंडीशन, अब पीएचपी का कोडिंग मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं डेलिमीटर स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दो मैं डेलिमीटर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ पे डेलिमीटर को मैं क्लोज भी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल ले लिया डॉलर रो तो है ही हमारे पास, अब देखो इफ में हम क्या लिख रहे हैं, इफ ध्यान देना डॉलर रो, डेटाबेस से एक्सेस करो, क्या था वहां नाम, यस क्वेश्चन ना, यस क्वेश्चन था, ओके इक्वल्स टू, एस क्वेश्चन इक्वल टू, यहाँ पे हम चारों के लिए चार कंडीशन देते हैं, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया योर फेवरेट बुक को, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पर दे दिया कंट्रोल वी, डबल कोट में दिया, पहले एक को मैं चेक करूंगा, ये दे दिया Your favorite book. अगर एक condition true रहा, अगर एक condition true रहा हमारा, तो starting और ending curly brace के अंदर, ठीक है, मैंने delimiter को सबसे पहले close किया, ध्यान दो, delimiter को सबसे पहले मैंने close किया, ओके और फिर यहां पे डेलिमीटर हमारा स्टार्ट होगा पीएचपी, ओके डेलिमीटर को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे एचटीएमएल कोडिंग को कट करेंगे जो लिखे थे, कंट्रोल एक्स, ओके, और यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कंट्रोल वी, अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन डेटाबेस में क्या होगा, योर फेवरेट बुक होगा, योर फेवरेट बुक होगा, तो योर फेवरेट बुक वाला सिलेक्टेड हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में क्या लिख दे, सिलेक्टेड, ओके, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसी तरह से, ठीक है, अब चलो ये मैंने यहाँ पे पीएचपी डेलिमीटर को, ठीक है, इफ, अब एलसीफ हम लगाएंगे, या आप सिंपल इफ से भी काम कर सकते हैं या एलसीफ भी लगा सकते हैं, अब मैंने इस चीज को कॉपी किया, ये इफ का क्लोजिंग यहाँ पे है, ओके कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और एलसीफ आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, एलसीफ योर फेवरेट बुक के जगह मैंने प्लेयर कर दिया, प्लेयर, अगर ए होगा तो इस सिलेक्टेड को हटाकर मैंने यहां पे दे दिया इसमें सिलेक्टेड, ओके सिलेक्टेड मैंने दे दिया, अब चलो, ठीक है, ये इफ का एलसीफ का ये क्लोजिंग हो गया, फिर मैंने यहां पे चला कंट्रोल वी, योर फेवरेट कलर, अगर योर फेवरेट कलर हो तो ये सिलेक्टेड मैंने हटा दिया,
और यहाँ पे चलेगा योर फेवरेट कलर, ये सिलेक्टेड हो जाना चाहिए। ओके और एक और लास्ट है आपका सर, वहाँ पे एल्स लगा दीजिए सर। क्या एल्स सर, पर मैं इफ सिर्फ हूँ, आवाज नहीं आ रहा, क्लियर बोलो। फेवरेट में इफ लगा दीजिए, फेवरेट कलर में एल्स इफ होगा ना सर, वो बोल वहाँ पे सिर्फ इफ है, फेवरेट सिर्फ इफ लिखा हुआ है सर। सिगरेट क्वेश्चन योर फेवरेट कलर में, अच्छा 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 एल्स इफ ओके। फिर मैंने यहाँ पे योर फेवरेट कलर वाला सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब चलो अब क्या है, डिजिट वाला ना केवल, कंट्रोल भी एल्स इसमें भी लगा दिए। गर्मी लग रहा है जी, ऐसी नहीं चल रहा है, एल्स इफ योर फेवरेट डिजिट। ओके तो मैंने इसको कर दिया सिलेक्टेड। ओके ये हमारा सिलेक्टेड हो गया। चलो अब हम इसको पहले रन करा के देखते हैं, ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस, और मैंने इसको रन कराया। क्या फेसबुक में भी सिलेक्ट था सर लास्ट वाला? हाँ बोलो, किस लाइन में, लाइन बोलो नंबर। लास्ट 71 सर। 71 अच्छा दो चीज सिलेक्टेड है। ओके कंट्रोल एस रन करा। अमित 123 पासवर्ड में मैंने पीपी इंटर किया। सर्च नहीं आया। देखो कहाँ पे डेटाबेस में कहीं कुछ दिक्कत है, यस क्वेश्चन ही है ना डेटाबेस में, ऊपर जरा मैच कराओ। यहाँ पे कहाँ पे ये रहा, पीएचपी डेलीमीटर मैंने क्या किया, स्टार्ट किया और फिर मैंने क्या लिखा, इफ डॉलर रो एस क्वेश्चंस इक्वल टू योर फेवरेट बुक। अब उसका देख लेना है कि कहीं साइनअप करते समय यही कोडिंग से साइनअप किया गया था ना, कोई दूसरा कोडिंग ऐसा नहीं ना किया, स्मॉल में लिखा गया है, एक बार डेटाबेस में देख लो। तो डेटाबेस में देखिए एक बार, यह स्मॉल में है जी, योर फेवरेट कलर है ना। हम यहाँ पे इसके रिकॉर्ड को इंटर करते हैं, ये अंजलि 123 है, पासवर्ड आप याद रखिएगा cmage567@, ठीक है। चलिए तो अंजलि 123 हम लोग डेटाबेस में चलते हैं, इसमें चलते हैं रन में, यहाँ तो है ही किसमें अपडेट। चलो मैंने इंटर किया यहाँ पे अंजलि 123 पासवर्ड बोलिए, ये है 567 सर्च आ गया, नेम अंजलि, सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन योर फेवरेट कलर है ना, आंसर ब्लू, ईमेल आईडी अंजलि, मोबाइल इतना, पेन इतना। अब जो कुछ चेंजिंग करना है इसमें, अब इसमें हम अपडेट करना है ना, अब इसको लगता है कि मुझे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर देना है, तो यहाँ से अपना मान लो कि योर फेवरेट बुक, ओके अब इसमें जो भी है दे दिया मैंने जावा। तो अब जैसे ही अपडेट करेंगे ये इस यूजर का रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए।
तो बस अपडेट कमांड लगा देंगे, चारों फॉर्म एलिमेंट पांचों फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करेंगे और अपडेट कर देंगे। इस चीज को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना आपका स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको, इतना हाँ। तो स्मॉल में तो तुम कंडीशन इफ में क्या दिए हो, अपर केस में दिए हो। चलिए इसका कोडिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल करें, एक मिनट रुको। हाँ यही लास्ट, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में बता देंगे अपडेट बटन से, अपडेट बट फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू रिट्रीव करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है, अब आइए अटेंडेंस बना रहे। कट जाइए।